हुंडई की न्यू थर्ड जनरेशन i20। इसको नया डिजाइन, कई नए फीचर्स और मल्टीपल इंजन ऑप्शंस मिले हैं, लेकिन क्या ये सब काफी होगा इसको बेलिनो से बेटर चॉइस बनाने के लिए? लेट्स फाइंड आउट। ज्यादा डिटेल्स में जाने से पहले एक बार इनकी डायमेंशंस में नजर दौड़ा लेते हैं। ये फिगर बताते हैं कि लेंथ में दोनों बराबर है, i20 ज्यादा चौड़ी और इसका व्हील बेस भी लंबा है बेलिनो से। लेकिन अगर हाइट की बात हो तो बेलिनो ज्यादा ऊंची है और बूट स्पेस भी ज्यादा ऑफर करती है। अब बात करते हैं इनके इंजन्स की। i20 में जहां दो पेट्रोल और एक डीजल इंजन का ऑप्शन मिलेगा, तो वहीं बेलिनो सिर्फ दो पेट्रोल इंजन्स में अवेलेबल है, और इसलिए हम यहां सिर्फ इनके पेट्रोल वेरिएंट्स को ही कंपेयर करेंगे। आप देखें तो इन दोनों के पेट्रोल इंजन्स का हिसाब किताब कुछ ऐसा है। यहां पर i20 का 1 लीटर टर्बो इंजन सबसे पावरफुल और टॉर्की है। इस इंजन में IMT या फिर DCT ट्रांसमिशन मिलेगा। सेकंड मोस्ट पावरफुल इनमें मारुति का 1.2 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है, जो कि सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में आएगा। बाकी i20 का 1.2 लीटर पेट्रोल और बेलिनो का भी 1.2 लीटर पेट्रोल, ये दोनों ही पावर फिगर्स में आइडेंटिकल है और दोनों में ही मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। हालांकि बेलिनो के इस इंजन में मैनुअल के अलावा CVT का भी ऑप्शन दिया है। अब अगर हम इनके वेरिएंट्स देखें तो यहाँ पर इन दोनों की बहुत ही लंबी लिस्ट बन जाएगी, इसलिए हम सिर्फ सिमिलर प्राइस ब्रैकेट वाले वेरिएंट्स को ही कंपेयर कर रहे हैं। i20 का सबसे लोअर वेरिएंट है 1.2 लीटर पेट्रोल वाला मैग्ना। कीमत इसकी 6.80 लाख रुपए है। इसके कंपैरिजन में बेलिनो का 1.2 लीटर वाला डेल्टा वेरिएंट आता है, जिसकी कीमत 6.44 लाख है। ये i20 से लगभग 36,000 रुपीस सस्ता पड़ेगा। अब एक बार इनके की फीचर्स को देख लो। इस लिस्ट के हिसाब से बेलिनो इज आर पिक हियर। सस्ती होने के बावजूद ये i20 के मुकाबले ज्यादा यूजफुल फीचर्स ऑफर कर रही है। इसमें ऑटो AC, LED हेडलैम्प्स, रियर वॉशर एंड वाइपर विद डिफॉगर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स एंड एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट शामिल है। हालांकि ये बात सही है कि बेलिनो में भी i20 वाले बहुत से फीचर्स मिसिंग है, जैसे कि रियर AC वेंट्स, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, कूल्ड ग्लव बॉक्स और प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स। बट इन फीचर्स के मुकाबले बेलिनो के फीचर्स ज़्यादा यूजफुल नज़र आते हैं। इसके बाद आता है ह्यूंडई i20 का 1.2 लीटर स्पोर्ट्स वेरिएंट, और इसके कंपैरिजन में हमने पिक किया है मारुति बेलिनो अल्फा। मारुति का ये वेरिएंट i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट से सिर्फ 4,000 रुपये महंगा है, लेकिन इन 4,000 के बदले ये i20 से ज़्यादा सेफ्टी और कन्वीनियंस फीचर्स ऑफर कर रही है। वैसे बेलिनो के इस वेरिएंट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर AC वेंट्स और कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं मिलता, बट इट इज़ अ फेयर कॉम्प्रोमाइज। नेक्स्ट वेरिएंट हमने लिया है i20 का 1.2 लीटर स्पोर्ट्स IVT, जिसकी कीमत है ₹8.60 लाख। कंपैरिजन में इसके बेलिनो का जेटा CVT आता है, जो कि i20 से 27,000 रुपीज सस्ता है, और यहाँ पर भी बेलिनो i20 के मुकाबले एक बेहतर ऑप्शन साबित होती है। अफोर्डेबल होने के साथ ही ये इस रेंज में i20 से ज़्यादा अच्छे फीचर्स ऑफर करती है। ये जरूर है कि इसमें रियर AC वेंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं मिलेगा, मगर ये कमी पूरी हो जाती है ऑटो AC, आइसोफिक्स एंकोरेज, ऑटो डिमिंग IRVM और प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प जैसे फीचर से। इसके बाद अगला वेरिएंट हमने उठाया है i20 का 1.0 लीटर टर्बो इंजन वाला स्पोर्ट्स IMT, और इसके प्राइस ब्रैकेट में आता है बेलिनो का अल्फा CVT। इनकी कीमत देखें तो बेलिनो 16,000 रुपये महंगी है। वैसे इस रेंज में भी बेलिनो i20 के मुकाबले कुछ एक्स्ट्रा ही ऑफर कर रही है, लेकिन इस रेंज में i20 को टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिल रहा है, और वो भी क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, तो फिर इससे बेहतर और क्या होगा। हालांकि इसके मुकाबले बेलिनो में आपको CVT ट्रांसमिशन जरूर मिल जाएगा, लेकिन शायद टर्बो वाली परफॉर्मेंस ना ही मिले। अगर हम इससे ऊपर के वेरिएंट्स को देखें तो i20 में एस्टा और एस्टा ऑप्शनल भी अवेलेबल है, जो कि फीचर्स में बेलिनो से बहुत ही आगे है और प्राइसेस भी इसके बहुत ज़्यादा है। i20 के ये वेरिएंट्स उनके लिए बेस्ट है जो फीचर्स से भरी
स्पोर्टी लुक वाली कार चाहते हैं, बशर्ते बजट में कोई लिमिटेशन भी ना हो। वहीं बेलिनो में अल्फा ही सबसे टॉप वाला ट्रिम है, जो फीचर्स में i20 के टॉप वेरिएंट से कम जरूर है, लेकिन कीमत भी इसकी कम ही है। देखिए, ये बात सही है कि ओवरऑल i20 ज़्यादा फीचर रिच और मॉडर्न है, लेकिन ये बात भी सही है कि i20 के कुछ वेरिएंट्स बेलिनो से फीचर्स और प्राइस के मामले में मात खा जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।